नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तारजन जी हाँ दोस्तों जो कि अपकमिंग मूवी है 2025 की जी हाँ दोस्तों इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं कि हमें कब तक देखने को मिलेगी इसकी कास्टिंग कैरेक्टर सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन दबा कर इसे पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो हो जाए वो आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तों इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं एडगर राइस बरोज द्वारा निर्मित टार्जन चरित्र पर आधारित इस फिल्म में अलेग्जेंडर स्कार्सगार्ड सैमुअलेल जैक्सन मार्गोट रोबी जिमोन हॉसौ जिम ब्रॉडबैंड और क्रिस्टोफ वाल्च ने अभिनय किया है कहानी जॉन क्लेटन टार्जन की है जो लंदन जाने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन विलियम्स द्वारा गुलामी के दावों की जांच करने के लिए अफ्रीका के जंगलों में अपने पूर्व घर लौटने के लिए आश्वस्त होता है 2015 में अपनी मृत्यु से पहले जेरी वेंट्रॉप द्वारा निर्मित की जाने वाली अंतिम फिल्म है मुख्य फोटोग्राफी 21 जून 2014 को यूनाइटेड किंगडम के लीव सड़ेन स्टूडियो में शुरू हुई और चार महीने बाद पूरी हुई फ़िल्म का प्रीमियर 29 जून 2016 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और 1 जुलाई 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा दो डी तीन डी और आईमैक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया पांच इसने 180 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की कथानक अठारह से अठारह के बर्लिन सम्मेलन में कांगो बेसिन पर बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने दावा किया है पांच साल बाद कांगो फ्री स्टेट के संसाधनों के दोहन में बड़े पैमाने पर कर्ज लेने के बाद लियोपोल्ड ने ओपार के प्रसिद्ध हीरों को सुरक्षित करने के लिए अपने दूत लियोन रोम को भेजा अभियान में चीफ मबोंगा के नेतृत्व में योद्धाओं द्वारा नरसंहार किया गया जो टार्जन के बदले में रोम हीरे की पेशकश करता है वह व्यक्ति जिसे एक बार टार्जन कहा जाता था आरटी माननीय जॉन क्लेटन अर्ल ऑफ ग्रेस्टोक ने अपनी अमेरिकी पत्नी जेन के साथ ब्रिटेन में अपनी संपत्ति के लिए अफ्रीका छोड़ दिया है और एक अमीर रईस के रूप में जीवन अपनाया है जॉन के माता पिता एक जहाज़ दुर्घटना में बच गए और अफ्रीका में उनकी मृत्यु हो गई जहां उनके बच्चे को एक शिशु के रूप में वानरों की एक जाति मंगनी ने गोद ले लिया था जॉन को लियोपोल्ड की ओर से बोमा आने का निमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री और एक अमेरिकी दूत जॉर्ज वाशिंगटन विलियम्स बताते हैं कि लियोपोल्ड अपने ऋणों पर चूक कर रहा है और ग्रेस्टोक की यात्रा जिसके टार्जन के कारनामों ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया कांगो में ब्रिटेन के प्रभाव को सुरक्षित करेगा हालांकि ग्रेस्टोक ने मना कर दिया जॉर्ज ने जॉन को अपने संदेह के बारे में बताया कि लियोपोल लोगों को गुलाम बना रहा है और उसे सच्चाई की खोज के लिए कांगो जाने के लिए राजी किया ग्रेस्टोक मैनर में जॉन को वह समय याद है जब वह पांच साल का था अपनी वानर पालक मां काला और पालक भाई अकुट के साथ खेलने के बाद केर्चक ने उसका पीछा किया जॉन जेन और जॉर्ज रोम और उसके भ्रष्ट फाइनेंसर मिस्टर फ्रम को दरकिनार करते हुए कांगो की यात्रा करते हैं और जॉन और जेन की युवावस्था के कुबा गांव में उनका स्वागत किया जाता है रोम और उसके लोगों ने ग्रामीणों को पकड़ लिया प्रमुख मुविरों की हत्या कर दी और कुली के रूप में काम करने के लिए वासिम्बू को अन्य युवकों के साथ ले गए जॉर्ज ने जॉन को बचा लिया लेकिन जेन और बंदी ग्रामीणों को रोम के स्टीमशिप पर ले जाया गया ऐसा प्रतीत होता है कि रोम ने जॉन को लियोपोल्ड से मबोंगा तक पहुंचाने के लिए उसके निमंत्रण की व्यवस्था की थी स्टीमशिप का पीछा करते हुए जॉन जॉर्ज और गाव के शेष योद्धाओं ने बेल्जियम के सैन्य अधिकारियों और गुलाम कांगोवासियों को ले जा रही एक ट्रेन को जब्त कर लिया एक इंजीनियर ने उन्हें लियोपोल्ड द्वारा स्वीकृत कांगो पर कब्जा करने की रोम की योजना के बारे में सूचित किया दास श्रम का उपयोग करके रोम ने जल्द ही आने वाले बीस हजार भाड़े के सैनिकों की सेना के लिए पूरे क्षेत्र में किले बनाए हैं जो रेलवे और नदी यात्रा से जुड़े हुए हैं लियोपोल्ड के दिवालिया होने के बाद रोम को सेना के भुगतान के लिए ओपर के हीरो की आवश्यकता है लियोपोल्ट को बेनकाब करने वाले दस्तावेज ढूंढने पर जॉन और जॉर्ज क्यूबा योद्धाओं के पास सबूत छोड़ देते हैं और गुलाम बनाए गए लोगों को बोमा तक पहुंचाने के लिए बचा लेते हैं और मंगनी क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं वानरों से सामना होने पर जॉन को उनके नेता अकुट से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है जॉन हार गया लेकिन उसे और जॉर्ज को आगे यात्रा करने की अनुमति है जेन और वासिम्बू स्टीमशिप से बचकर जंगल में भाग जाते हैं जेन वासिम्बू को अन्य जनजातियों को एकजुट करने के लिए भेजती है यह जानते हुए कि रोम के लोग उसका पीछा करेंगे जेन का सामना मंगनी से होता है और रोम के आदमी वानरों पर गोलियां चला देते हैं जॉन कुछ मंगनी को बचाते हुए आता है और रोम का पीछा करता है जो जेन को मबोंगा जनजाति में ले जाता है यह पता चला है कि वर्षों पहले मबोंगा के बेटे ने जॉन की पालक मां काला की हत्या कर दी थी जॉन ने उसका बदला लेने के लिए उसे मार डाला मबोंगा जॉन पर हमला करता है जो लड़ाई जीत जाता है लेकिन प्रमुख को बचा लेता है इसके बाद जॉर्ज और मंगानी पहुंचते हैं दोनों विदेशी मबोंगा को समझाते हैं कि रोम उनका साझा दुश्मन है रोम जेन और हीरो को बोमा ले जाता है जहां भाड़े की सेना तट पर पहुंचती है जॉन और जॉर्ज ने शहर में वाइल्ड बीस्ट की भगदड़ मचा दी और रोम के आदमियों को कुचल दिया क्योंकि कुबा योद्धा ट्रेन से आते हैं और अपने परिवारों को मुक्त कराते हैं जॉन जेन को बचाता है और रोम का पीछा करता है जो फ्रम और भाड़े के सैनिकों को हीरे पहुंचाने की तैयारी करता है विलियम्स ने स्टीमशिप को डुबो दिया जबकि रोम ने अपनी माला से जॉन का गला घोंट दिया मगर मच्छों को बुलाने के लिए संभोग कॉल का उपयोग करते हुए जॉन मुक्त हो जाता है और रोम को निगलने के लिए छोड़ देता है जैसे ही जहाज का बॉयलर फटा जॉन बच गया फ्रूम और भाड़े के सैनिकों का बेड़ा प्रस्थान करता है जॉर्ज लंदन लौटता है और प्रधानमंत्री को लियोपोल्ड को कांगो के लोगों की गुलामी और दुर्व्यवहार को उजागर करने वाला एक खुला पत्र देता है एक साल बाद जॉन और जेन जेन के पिता के पुराने घर में अफ्रीका में स्थानांतरित हो गए वे, वे अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाते हैं और जॉन टार्जन के रूप में महान वानरों के बीच अपने सही स्थान पर लौट आता है कास्ट करें जॉन क्लेटन थ्री ग्रेस्टोक टार्जन के पांचवें अर्ल के रूप में अलेक्जेंडर्स कासगार्ड छे अपने चरित्र टार्जन के बारे में स्कॉसगार्ड ने कहा यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो खुद को रोके हुए है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप परतें खोलते हैं वह वापस और अधिक पशुवत स्थिति में लौट आता है और अपने व्यक्तित्व के उस पक्ष को बाहर आने देता है सात टार्जन आकार में आने के लिए स्कॉर्सगार्ड ने फिल्मांकन शुरू होने से पहले चार महीने प्रशिक्षण में बिताए और 24 पाउंड वजन बढ़ाया सात आठ उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा कोरियोग्राफर वेन मैकेग्रेगर के साथ आंदोलन कार्य के लिए था एट नाइन अठारह वर्षीय टार्जन के रूप में रोरी जे सैपर पांच वर्षीय टार्जन के रूप में क्रिश्चियन स्टीवंस कैप्टन लियोन रोम के रूप में क्रिस्टोफ वालच दस बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा हीरे खोजने और क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया एक जिद्दी और लालची बेल्जियम अधिकारी जॉर्ज वाशिंगटन विलियम्स के रूप में सैमुअल एल जैक्सन एक अमेरिकी उद्यमी और भारतीय युद्धों के अनुभवी जो टार्जन के सहयोगी बन जाते हैं इलेवन ट्वेल्व जेन क्लेटन ग्रेस्टोक की काउंटेस नी पोर्टर के रूप में मार्गोट रोबी तेरह टार्जन की उत्साही और समर्पित पत्नी चीफ मबोंगा के रूप में जिमोन हौसो चौदह ओपार एक अफ्रीकी जनजाति जो हीरा क्षेत्र को नियंत्रित करती है के तेंद्वे के लोगों का नेता जो अपने बेटे की मौत के लिए टार्जन से बदला लेना चाहता है जिम ब्रॉडबेंट ब्रिटिश प्रधानमंत्री सेलिसब्री के तीसरे मार्केस के रूप में मेजर केरकोवर के रूप में कैस्पर क्रम्प रोम के हिंसक प्रथम लेफ्टिनेंट पंद्रह कैप्टन मौले के रूप में बेन चैपलिन हेडली फ्रेजर जॉन क्लेटन द्वितीय ग्रेस्टोक के चौथे अर्ल टार्जन के पिता एलिस क्लेटन ग्रेस्टोक की काउंटेस टार्जन की मां के रूप में जेनेवी वोरेली यूल मासितेंग मुविरो के रूप में कुबा लोगों के सरदार एशे के रूप में मिमी नदीवेनी मिस्टर फ्रम के रूप में साइमन रसेल बीले सोलह सत्रह उत्पादन टार्जन के एक अद्यतन संस्करण पर कम से कम 2003 से काम चल रहा था जिसमें जॉन ऑगस्ट ने लिखा था 18, जिसके बाद 2006 में जॉन कोली ने लिखा था 19 और ग्विलेरमो डेल टोरो निर्देशित करने वाले थे डेल टोरो ने द हॉबिट 20 बेहतर स्रोत की आवश्यकता पर काम करना छोड़ दिया और 2008 तक यह बताया गया कि टार्जन का एक अलग संस्करण स्टीफन सोमरस और स्टुअर्ट बीटल द्वारा सहलिखित था जिसके बारे में कहा गया था कि यह पायरेट्स के समान था कैरेबियन श्रृंखला विकास में थी 21, 22, 2011 तक क्रेग ब्रुअर जिन्होंने स्क्रिप्ट का एक संस्करण भी फिर से लिखा था फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार थे तेईस हालांकि ऐसा नहीं हो सका इसके बजाय 2012 में डेविड येट्स को निर्देशन के लिए चुना गया चार दौड़ में अन्य निर्देशकों में सुज़ाना वहाइट और गैरी रॉस शामिल थे 24 अप्रैल 2013 में यह बताया गया कि बजटीय चिंताओं के कारण उत्पादन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था 25 कास्टिंग कुछ समय के लिए निर्माता जेरी वेन्ट्राब चाहते थे कि तैराक माइकल फेल्प्स शीर्षक भूमिका निभाएं उनका मानना था कि वह जॉनी वीस सुल्लर के उत्तराधिकारी हैं जो प्रसिद्ध अभिनेता टार्जन की भूमिका निभा चुके थे और जो एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी तैराक भी थे कथित तौर पर केवल दो मिनट के लिए फिल्प्स को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते देखने के बाद वेन्ट्रॉब ने अपना मन बदल लिया छब्बीस इस भूमिका के लिए अन्य शुरुआती दावेदारों में हेनरी कैविल टॉम हार्डी और चार्ली हन्नम शामिल थे चार सत्ताईस चौदह नवंबर 2012 को निर्देशक येट्स की पसंद पर अलेक्जेंडर स्कासगार्ड को शीर्षक भूमिका के लिए चुना गया जबकि सैमुअल सैमुअलेल जैक्सन को फिल्म में विलियम्स की भूमिका निभाने के लिए देखा जा रहा था छ येट्स ने स्कासगार्ड को आदर्श टार्जन पाया उन्हें अच्छा लगा कि उनका जन्म स्वीडन में हुआ था लेकिन उन्होंने अमेरिका में अपना करियर बनाया इसलिए उनमें एक या दूसरे से संबंधित न होने का यह अद्भुत गुण है उन्होंने कहा सात छह मार्च 2013 को यह बताया गया कि येट्स चाहते थे कि जेसिका चेस्टेन जेन पोर्टर की भूमिका निभाएं अट्ठाईस छब्बीस सितंबर 2013 को क्रिस्टोफ वाल्ट से फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए बातचीत चल रही थी बाद में उन्हें कैप्टन रोम के रूप में चुना गया छैन स्टूडियो ने मुख्य महिला किरदार जेन पोर्टर की भूमिका निभाने के लिए मार्गोट रॉबी और एमा स्टोन पर नजर डाली ग्यारह एमा वॉटसन सारा बोलगर जॉर्जीना है एग लुसी हेल लिंडसी फोंसेका एलेनोर टॉमलिंसन गैब्रियला वाइल्ड लुसी बॉयटन और क्रेसिडा बोना सभी को इस भूमिका के लिए विचार किया गया था 18 जनवरी 2014 को इस भूमिका के लिए स्टोन को पछाड़ते हुए रॉबी को स्कार्सगार्ड के विपरीत फिल्म में लिया गया तेरह चार जून को जिमोन हौसो को फिल्म में चीफ मबोंगा की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था चौदह सत्रह जून को ओसी इखिले को सहायक भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल किया गया था लेकिन तब चरित्र का नाम नहीं रखा गया था उनतीस कैप्टन केरचोवर की भूमिका के लिए कैस्पर क्रम्प को चुना गया था पन्द्रह दिसंबर 2015 में पहले ट्रेलर की रिलीज से पता चला कि जिम ब्रॉडबैंड भी कलाकारों का हिस्सा थे प्रशस्ति पत्र आवश्यक फिल्मांकन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 30 जून 2014 को लीव सडेन हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में शुरू हुई 30, 31 फिल्मांकन उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन स्टूडियो के विस्तार की घोषणा की गई थी बत्तीस फ़िल्मांकन उसी वर्ष तीन अक्टूबर को पूरा हुआ तैंतीस फिल्मांकन कुल सत्तर दिनों तक हुआ चौंतीस द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग से बजट और भी अधिक हो जाता थर्टी फाइव अफ्रीका को प्रामाणिक बनाना फ़िल्म निर्माताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग इंग्लैंड में हुई थी गैबॉन में छह सप्ताह को छोड़कर बिना कलाकारों के हेलीकॉप्टर द्वारा पृष्ठभूमि फ़िल्मांकन किया गया था वार्नर ब्रदर्स के लीव सरेन स्टूडियो में एक कार्यशील झरना और 100 फुट लंबा ढहने वाला घाट बनाया गया था पैंतीस छत्तीस पूरे फ़िल्मांकन के दौरान अलग अलग दृश्य दिखाने के लिए अफ्रीकी जंगल के सात संस्करण बनाए गए थे हॉलैंड के पौधों को कला विभाग द्वारा गढ़े गए पेड़ों के साथ मिलाया गया था डर्बीशायर में केडलस्टन हॉल ग्रेस्टोक मैनर के लिए खड़ा था और हाई हाईक्लेयर कैसल के मैदान पर एक देवदार का पेड़ टार्जन और जेन के बीच एक शुरुआती महत्वपूर्ण दृश्य के लिए सेटिंग के रूप में काम करता था फर्डी सिक्स साउंड ट्रैक मुख्य लेख द लीजेंड ऑफ टार्जन साउंड ट्रैक फिल्म का स्कोर रूपर्ट ग्रेग्स विलियम्स द्वारा तैयार किया गया था साउंड ट्रैक चौबीस जून 2016 को वाटर टावर म्यूजिक द्वारा और 15 जुलाई 2016 को सीडी पर जारी किया गया था अतिरिक्त संगीत के लिए टोनी क्लार्क सैंतीस थॉमस फार्नन अड़तीस और टॉम होवे उनतालीस को श्रेय दिया जाता है होजियर ने एकल बेटर लव प्रदान किया जो फिल्म के अंतिम क्रेडिट में बजाया जाता है फोर्डी रिलीज यह फिल्म 1 जुलाई 2016 को वार्नर ब्रदर्स द्वारा पारंपरिक प्रारूपों के साथ साथ 3D और आईमैक्स 3D में रिलीज की गई थी फाइव होम मीडिया यह फिल्म 11 अक्टूबर 2016 को पारंपरिक प्रारूपों ब्लूरे डीवीडी और चार के ब्लूरे में रिलीज हुई थी 41. स्वागत बॉक्स ऑफिस द लीजेंड ऑफ टार्जन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 126.6 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 230.1 मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल तीन मिलियन डॉलर की कमाई हुई तीन इसके 180 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट को देखते हुए इसे बराबर होने और अगली कड़ी को उचित ठहराने के लिए कम से कम 400 मिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी डेडलाइन हॉलीवुड के वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि वार्नर ब्रदर्स को फिल्म पर अनुमानित 40 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ हालांकि स्टूडियो ने खुद दावा किया कि फिल्म ने नुकसान भी कमाया संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द लीजेंड ऑफ टार्जन की शुरुआत द बीएफजी और द पर्ज इलेक्शन ईयर के साथ हुई और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 25 33 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था 42, 44, 45 यह शुक्रवार 1 जुलाई 2016 को 3,561 थिएटरों और 6,700 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और अपने शुरुआती दिन में 14 मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें आईमैक्स शो में एक दशमलव चार मिलियन डॉलर भी शामिल थे छियालीस इसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से कमाए गए दो दशमलव छह मिलियन डॉलर भी शामिल हैं सैंतालीस अपने शुरुआती सप्ताहांत में सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर फ़िल्म ने उम्मीद से बेहतर अड़तीस दशमलव पाँच मिलियन डॉलर की कमाई की जिसमें से आईमैक्स ने तीन दशमलव नौ मिलियन डॉलर का योगदान दिया और अपने चार दिवसीय स्वतंत्रता दिवस अवकाश फ्रेम में छियालीस दशमलव छह मिलियन डॉलर का योगदान दिया और दूसरे स्थान पर रही बॉक्स ऑफिस पर फाइंडिंग डोरी के पीछे लेकिन नई रिलीज में पहले स्थान पर हालांकि इसकी शुरुआती संख्या के बावजूद डेडलाइन ने फिल्म को इसके भारी बजट के कारण बेवकूफ कहा 48, 49। यूएफए यूरो 2016 के आसपास के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द लीजेंड ऑफ टार्जन को एक बिखरा हुआ रिलीज पैटर्न प्राप्त हुआ पचास यह संभावना है कि फिल्म के भारी उत्पादन बजट की भरपाई अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और रिटर्न पर निर्भर होगी वार्नर के घरेलू वितरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ गोल्डस्टीन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया यह संपत्ति हमेशा वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय अवसर के बारे में रही है इक्यावन फिल्म उत्तरी अमेरिका में उसी सप्ताहांत में उन्नीस बाजारों में प्रदर्शित हुई जिसमें रूस और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे बयालीस अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने लगभग 6,700 स्क्रीनों पर 19.3 मिलियन डॉलर की कमाई की और 122 सौ बाईस थियेटरों से कुल 1.2 मिलियन डॉलर की कमाई की 50 रूस और सीआईएस में इसने 3.1 मिलियन डॉलर के साथ शुरुआत की और बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही हालांकि यह अप्रैल के बाद से किसी फिल्म के लिए सबसे कम नंबर एक ओपनिंग थी बावन जबकि दक्षिण कोरिया में इसने चार मिलियन डॉलर के साथ नंबर दो पर शुरुआत की बाद के बाज़ार में इसे स्थानीय फिल्म फ़ैमिलीहुड और द हंट से महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा दोनों ने जोरदार प्रदर्शन किया पचास तिरपन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में यह चार दशमलव सात मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर आया पूर्वावलोकन सहित एनिमेटेड द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स के बाद और ऑस्ट्रेलिया में तीन दशमलव दो मिलियन डॉलर के साथ फ़ाइंडिंग डोरी के बाद चवन अन्यत्र एशिया में भारत इंडोनेशिया थाईलैंड और मलेशिया में नंबर एक ओपनिंग थी स्टूडियो ने मेक्सिको, चार दशमलव छह मिलियन डॉलर ब्राजील तीन दशमलव चार मिलियन डॉलर स्पेन एक दशमलव आठ मिलियन डॉलर इटली एक दशमलव छह मिलियन डॉलर अधिकांश पूर्वी यूरोपीय बाजारों और प्यूटोरिको में भी नंबर एक डेब्यू की सूचना दी पचास चवन पचपन छप्पन जर्मनी दो मिलियन डॉलर संयुक्त अरब अमीरात एक दशमलव छह मिलियन डॉलर और जापान एक दशमलव पांच मिलियन डॉलर के शुरुआती आंकड़े समान थे फिफ्टी सेवन चीन में फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा बाजार फिल्म को जुलाई के महीने में एक दुर्लभ रिलीज की तारीख दी गई थी यह एक अनोखा कदम है क्योंकि जुलाई आमतौर पर वह महीना होता है जब चीनी नियामक अपनी सुरक्षा और प्रचार के लिए विदेशी फिल्मों हॉलीवुड फिल्मों सहित पर प्रतिबंध लगाते हैं अपनी स्थानीय फिल्में अट्ठावन उनसठ यह मंगलवार 19 जुलाई को खुला और अपने शुरुआती दिन में 7 मिलियन डॉलर की कमाई की इसने लगभग 27 मिलियन डॉलर की छह दिन की ओपनिंग और 12 मिलियन डॉलर की तीन दिवसीय सप्ताहांत ओपनिंग दी हालांकि शुरुआती संख्या को मजबूत माना गया था यह स्किपट्रेस के बाद दूसरे स्थान पर आया जिसने द लीजेंड ऑफ टार्जन के 16 परसेंट की तुलना में छप्पन परसेंट से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया फिफ्टी सिक्स सिक्सटी कुल कमाई के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर इसके सबसे बड़े बाज़ार चीन पैंतालीस दशमलव एक मिलियन डॉलर मैक्सिको तेरह दशमलव सात मिलियन डॉलर और यूके और आयरलैंड ग्यारह दशमलव नौ मिलियन डॉलर हैं सिक्सटी वन आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को दो समीक्षाओं के आधार पर पांच की औसत रेटिंग के साथ पैंतीस की अनुमोदन रेटिंग मिली है वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है द लीजेंड ऑफ टार्जन के दिमाग में क्लासिक चरित्र अभिनीत कई फिल्मों की तुलना में अधिक है लेकिन यह इसके सामान्य कथानक या सुस्त गति को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है बासठ मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 41 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 44 का भारत औसत स्कोर मिला है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है तिरसठ सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर ए का औसत ग्रेड दिया 64. फोर द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा इस प्रकार की कई पुनर्नवीनीकरण कहानियों की तुलना में इसे और अधिक मनोरंजक बनाने वाली बात यह है कि फिल्म निर्माताओं ने टार्जन को एक विचारशील अपूर्ण बदलाव दिया है पैंसठ अपनी समीक्षा में रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स ने कहा कम से कम यह देखने योग्य है गर्मियों में बेबी यह बहुत सराहनीय है सिक्सटी सिक्स के पीटर डेब्रूज ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा ब्रिटिश निर्देशक डेविड येट्स द्वारा एक बातूनी और ज्यादातर उबाऊ प्रयास जो एक अन्य प्रिय साहित्यिक नायक के माध्यम से अंतिम चार है एरी पॉटर फिल्मों में लाए गए महाकाव्य विजन पर निर्माण करने का है सड़सठ द गार्जियन के जॉर्डन हॉफमैन ने फिल्म की कहानी और लेखन की आलोचना करते हुए कहा प्रतिबद्ध प्रदर्शन इस फिल्म को असुविधाजनक औपनिवेशिक प्रकाशिकी प्रेरणाहीन सीजीआई और उबाऊ कथानक से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है फिल्म को स्रोत सामग्री को राजनीतिक रूप से सही बनाने और एक श्वेत उद्धारकर्ता की कहानी होने का प्रयास करने के लिए भी बुलाया गया था अड़सठ डीकन स्टीवन डी ग्रेडेनस ने कहा खलनायक अपने हाथ में कभी भी बिना माला के नहीं रहता प्रार्थना में सहायता के रूप में नहीं बल्कि एक विचित्र रूप से हथियारबंद टोकन के रूप में जिसे वह एक बुतपरस्त इंडियाना जोन्स की सटीकता के साथ घुमाता है वह जेन को समझाता है कि माला मेडागास्कर मकड़ी के रेशम से बनी उसे नौ साल की उम्र में उसके पुजारी ने उपहार में दी थी तुम अपने पुजारी के करीब रही होगी जेन एक स्पष्ट पीडोफाइल पुजारी मज़ाक में मुस्कुराती है उसकी नायिका की स्थिति उसके कैथोलिक विरोधी मजाक को वैध बनाती है डॉट सिक्सटी नाइन प्रशंसा पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ महिला फ़िल्म पत्रकारों का गठबंधन इक्कीस दिसंबर दो हज़ार सोलह अभिनेत्री को एक नए एजेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है मार्गोट रोबी आत्मघाती दस्ते के लिए भी मनोनीत सत्तर सेवेंटी वन बृहस्पति पुरस्कार 29 मार्च 2017 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री मार्गोट रोबी मनोनीत बेहत्तर शनि पुरस्कार 28 जून 2017 सर्वश्रेष्ठ एक्शन या साहसिक फिल्म टारजन की किमदंती मनोनीत तिहत्तर यह भी देखें गुलामी को दर्शाने वाली फिल्मों की सूची फिल्म और अन्य गैरप्रिंट मीडिया में टार्जन डेविड येट्स जन्म 8 अक्टूबर उन्नीस एक अंग्रेजी फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने फीचर फिल्मों लघु फिल्मों और टेलीविजन प्रस्तुतियों का निर्देशन किया है उन्हें है हेरी पॉटर श्रृंखला की अंतिम चार फिल्मों और इसकी प्रीक्वल श्रृंखला फैंटास्टिक बीस्ट्स की तीन फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है तीन चार हैरी पॉटर श्रृंखला में उनके काम ने उन्हें प्रशंसा के साथ साथ आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता भी दिलाई जैसे निर्देशन में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश अकादमी ब्रिटानिया पुरस्कार फॉर येट्स ने कई लघु फिल्मों का निर्देशन किया और अपने करियर की शुरुआत में ही टेलीविज़न निर्देशक बन गए उनकी उपलब्धियों में छह भाग की राजनीतिक थ्रिलर स्टेट ऑफ प्ले 2003 शामिल है जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट निर्देशन उपलब्धि के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अवार्ड जीता दो भाग की वयस्क वृत्तचित्र ड्रामा सेक्स ट्रैफिक 2004 और एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन फिल्म द गर्ल इन द कैफे दो हजार पांच थ्री डायरेक्टर्स यूके के संस्थापक सदस्य हैं सात एक निर्देशक और निर्माता के रूप में वार्नर ब्रदर्स के साथ उनकी घनिष्ठ साझेदारी रही है एट प्रारंभिक जीवन डेविड का जन्म 8 अक्टूबर उन्नीस को सेंट हेलेंस लंकाशायर इंग्लैंड में हुआ था एन एक जब वह छोटे थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई नौ no. रेनहिल गांव में पलेब्रे येट स्टीवन स्पीलबर्ग की 1975 की फिल्म जॉर्ज देखने के बाद फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हुए एक येट्स की मां ने उनके लिए एक सुपर आठ एमएम कैमरा खरीदा उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न फिल्मों की शूटिंग के लिए किया जिसमें उनके दोस्तों और परिवार ने अभिनय किया दस ऐसी ही एक फिल्म द घोस्ट शिप की शूटिंग उस जहाज़ पर की गई थी जहां उनके चाचा रसोईया के रूप में काम करते थे ग्यारह उन्होंने ग्रेंज पार्क हाई स्कूल बारह सेंट हेलेंस कॉलेज और फिर एसेक्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई की तेरह चौदह पंद्रह येट्स ने कहा कि वह हर समय कॉलेज से भागते थे और अपने ए लेवल परीक्षा परिणामों से आश्चर्यचकित होने से पहले उन्होंने कभी भी विश्वविद्यालय में शामिल होने की उम्मीद नहीं की थी एसेक्स विश्वविद्यालय में रहते हुए येट्स ने फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन सोसाइटी का गठन किया सोलह उन्होंने उन्नीस में सरकार में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की सेवनटीन कैरियर टेलीविजन और फिल्मी करियर एक से दो नेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न स्कूल जहां येट्स ने निर्देशक के रूप में प्रशिक्षण लिया 18, 1988 में येट्स ने अपनी पहली फ़िल्म वहन आई वाज गर्ल इन स्विंडन बनाई। फिल्म ने फेस्टिवल सर्किट में प्रवेश किया जहां इसे सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म का नाम दिया गया इसने उन्नीस में येट्स को राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल में स्वीकार करने में योगदान दिया और बीबीसी ने उन्हें उन्नीस में एक लघु नाटक फिल्म ऑरेंज एंड लेमन्स का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया फिल्म स्कूल पूरा करने से पहले उन्होंने निर्देशन निर्माण और पटकथा लिखना शुरू कर दिया था नाटकीय लघु फिल्म द वीवर्स वाइफ उन्होंने अपनी चौथी लघु फिल्म गुड लुक्स भी बनाई जिसे शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत किया गया था उन्नीस में स्नातक होने के बाद येट्स ने फिल्म अध्ययन कार्यक्रम मूविंग पिक्चर्स के एक एपिसोड का निर्देशन किया छीन नाइनटीन टवेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्रू उन्नीस सौ चौरानवे से उन्नीस सौ पंचानवे तक येट्स ने निर्माता एलिस्टेयर क्लार्क के साथ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री टेल ऑफ थ्री सी साइड टाउन के तीन एपिसोड का निर्देशन और निर्माण करने से पहले आईटीवी पुलिस प्रक्रियात्मक द बिल के कई एपिसोड का निर्देशन किया कार्यक्रम में मीडिया हस्तियों रसेल ग्रांट ऑनर ब्लैकमैन और पाम आयर्स ने ब्राइटन ईस्टबोर्न और वेमाउथ के दक्षिण तट के शहरों का दौरा किया और उनकी खोज की तेईस चौबीस येट्स ने उन्नीस में स्वतंत्र ऐतिहासिक नाटक फिल्म द टिजबोर्न क्लेमेंट की रिलीज के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करने से पहले अपनी पांचवीं लघु फिल्म पंच का निर्देशन किया था यह फ़िल्म जिसे एडिमबर्ग इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था जो फिशर द्वारा लिखी गई थी और टिजबोर्न केस की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी इसमें स्टीफन फ्राई और रॉबर्ट हार्डी ने अभिनय किया था और इसे मर्सीसाइड और आइल ऑफ मैन के लोकेशन पर शूट किया गया था 25, 26, 27। सिक्स येट्स 2000 में बीबीसी मिनी सीरीज द सिंस के लिए लालच ईर्ष्या और वासना के एपिसोड का निर्देशन करने के लिए टेलीविजन पर लौटे जिसमें पीट पोस्टलेथवेट ने अभिनय किया साथ ही द वेवी लिव नाउ जो इसी नाम के उपन्यास का चार भाग वाला टेलीविजन रूपांतरण था एंथोनी ट्रोलोप येट्स ने 2002 हज़ार दो बाफ्टा अवार्ड्स में पटकथा लेखक एंड्रयू डेविस और निर्माता निगेल स्टैफोर्ड क्लार्क के साथ सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरियल के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न अवार्ड साझा किया ट्वेंटी एट एक साल बाद येट्स ने चौदह मिनट के निर्माण रैंक के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म के लिए ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म पुरस्कार नामांकन के साथ छप्पनवें बाफ्टा पुरस्कारों में भाग लिया जिसमें एक सड़क गिरोह की कहानी के माध्यम से नस्लवाद दोस्ती और किशोरावस्था के सामाजिक तत्वों को व्यक्त किया गया था ग्लास्को सोमाली शरणार्थियों के एक समूह के आगमन का गवाह बनेगा उनतीस तीस येट्स ने कहा कि भले ही द वेवी लिव नाउ एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन और करने में बहुत मज़ा था रैंक उन सभी को दूर करने और अपने पर वापस आने का एक अवसर था जड़े कास्टिंग के बारे में येट्स ने कहा कि वह कहानी को बताने के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए गैरअिनेताओं का उपयोग करना चाहते थे में हमने जिन बच्चों को कास्ट किया उन्होंने पहले कभी कोई फ़िल्म नहीं की थी दस फिल्म अपनी गंभीर शैली और छायांकन के लिए विख्यात थी आई फॉर फिल्म की समीक्षा में कहा गया था कि कैमरे और कलाकारों का ऐसा बुद्धिमान उपयोग येट्स को होनहार युवा निर्देशकों के समूह से बाहर निकालकर वास्तविक आशावानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देता है काम समान मांगता है 2003 की छह भाग की थ्रिलर स्टेट ऑफ प्ले येट्स की अगली उपलब्धि थी पांच येट्स ने जर्मनी में कोलोन सम्मेलन में टीवी स्पील फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया और उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पुरस्कार जीता तीन बत्तीस धारावाहिक को विभिन्न पुरस्कार समारोहों द्वारा मान्यता दी गई प्रसारण उत्कृष्टता के लिए पी बॉडी पुरस्कार प्राप्त हुआ और दो ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन क्राफ्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तैंतीस धारावाहिक की गुणवत्ता ने हॉलीवुड फिल्म मालिकों को इसे एक फिल्म में बदलने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया निर्माता एंड्रयू हॉप्टमैन ने घोषणा की कि यह एक धमाकेदार राजनीतिक थ्रिलर है और हम एक समान रूप से धमाकेदार फिल्म बनाना चाहते हैं चौंतीस स्टेट ऑफ प्ले को द गार्जियन और द टाइम्स के आलोचकों द्वारा येट्स ने नौ वर्षीय डेजी एशफोर्ड के उपन्यास द यंग विजिटर्स के टेलीविज़न रूपांतरण का निर्देशन किया जिसमें ह्यू ग्लॉरी के साथ जिम ब्रॉडबेंट ने अभिनय किया बीबीसी अमेरिका के लिए वैरायटी पत्रिका की एक समीक्षा के अनुसार येट्स और उनकी टीम ने एक गर्मजोशी भरा और आश्चर्यजनक रूप से असंवेदनशील उत्पादन किया जिसके चारों ओर सदाबहार लिखा हुआ है 38. 2004 दो हज़ार चार में येट्स का दो भाग वाला नाटक सेक्स ट्रैफिक चैनल चार पर प्रसारित किया गया था इसने आठ बाफ्टा पुरस्कार जीते जिसमें मार्क डे के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन भी शामिल है जिन्होंने नियमित रूप से येट्स के साथ उनकी कई टेलीविजन परियोजनाओं और लघु फिल्मों पर काम किया डे ने येट्स के साथ अपने सहयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हमने एक साथ इतना समय बिताया है उन्होंने यह भी कहा डेविड टुकड़े टुकड़े करके एक ही शैली में शूट करता है हालांकि यह स्टेट ऑफ प्ले जितना उन्मत्त नहीं था उनतालीस येट्स को सेक्स ट्रैफिक के निर्देशन के लिए एक अन्य डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरियल के लिए अपना दूसरा बाफ्टा जीता था चालीस ब्रिटिश कैनेडियन प्रोडक्शन होने के नाते सेक्स ट्रैफिक ने कनाडा के वार्षिक टेलीविज़न पुरस्कार समारोह जेमिनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिक मिनिस्टरीज सहित चार जीत हासिल की दो भागों में फैले तीन घंटे लंबे नाटक से पता चलता है कि गुलामी के लिए युवतियों की तस्करी एक बड़ा व्यवसाय है जो पूरे यूरोप में संचालित होता है ऐसे संवेदनशील विषय के चौंकाने वाले चित्रण के लिए दोनों भागों की सराहना की गई 41, 42, 43। इसके अलावा 2004 में येट्स वार्नर इंडिपेंडेंट पिक्चर्स के लिए एवलिन वॉ के उपन्यास ब्रिजेशेड रिविजिटेड के फ़िल्म रूपांतरण की योजना में भी शामिल थे वह इस परियोजना पर पॉल बेटनी जूड लॉ और जेनिफर कॉनली के साथ काम करने के लिए तैयार थे लेकिन फिल्म के निर्माण को प्रभावित करने वाले लगातार बजट मुद्दों के कारण बाद के चरणों में उन्होंने काम करना बंद कर दिया 44, 45। इसके बाद येट्स ने बिल निगी और केली मैकडोनाल्ड अभिनीत एक टेलीविज़न फिल्म द गर्ल इन द कैफे के लिए रिचर्ड कर्टिस की स्क्रिप्ट का निर्देशन किया जून 2005 में यह फिल्म ब्रिटेन में बीबीसी पर प्रसारित की गई और संयुक्त राज्य अमेरिका में होम बॉक्स ऑफिस पर भी प्रसारित की गई द गर्ल इन द कैफे ने एमी अवार्ड्स में तीन जीत हासिल की जिसमें टेलीविजन मूवी के लिए उत्कृष्ट मेड के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी शामिल है और येट्स के लिए उत्कृष्ट निर्देशन सहित कुल चार नामांकन प्राप्त किए फिर्टीन फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन एरी पॉटर दो से दो आठ जुलाई 2007 को है एरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के प्रीमियर पर ग्रूमन के चीनी थिएटर के बाहर येट्स। ब्रिजेशेड रिविजिटेड की योजना पर काम करने की अवधि के दौरान येट्स को उनके एजेंट ने बताया कि उन्होंने है एरी पॉटर श्रृंखला की पांचवीं फिल्म के लिए निर्देशकों की शॉर्ट बना ली है और वार्नर ब्रदर्स उन्हें निर्देशित करने के लिए देख रहे हैं कुछ ही समय बाद उन्हें वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा है रिपोर्टर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का निर्देशन करने की पुष्टि की गई जिसका निर्माण 2006 की शुरुआत में शुरू होने वाला था पैंतालीस अड़तालीस जब पूछा गया कि येट्स को काम कैसे मिला तो निर्माता डेविड हेमैन येट्स के टेलीविजन कार्य के एक बड़े प्रशंसक उन्चास ने कहा कि डेविड की टेलीविजन परियोजनाओं में अभिनेता अक्सर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं प्रत्येक पॉटर फिल्म में अभिनेताओं विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करना महत्वपूर्ण है राजनीतिक फिल्म बड़े अक्षर पी के साथ नहीं बल्कि यह किशोरों के विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में है डेविड ने ब्रिटेन में राजनीति के बारे में बिना कठोर सोच के फिल्में बनाई हैं फिफ्टी निर्माण शुरू होने से पहले येट्स ने हैरी पॉटर और गॉब्लेट ऑफ फायर के निर्देशक माइक नेवेल को एक पब में आमंत्रित किया और अपने दिमाग में इस बात पर विचार किया कि इस पैमाने की फिल्म में किसी के स्थान पर कदम रखना कैसा होगा तीन येट्स द्वारा शूट किए गए पहले दृश्य में एक विशालकाय व्यक्ति को मानवीय पात्रों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था यह दृश्य येट्स द्वारा अपने करियर में फिल्माया गया पहला उच्चस्तरीय दृश्य प्रभाव वाला टुकड़ा था तीन इक्यावन फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन सामग्री को स्टूडियो द्वारा अच्छी तरह से सराहा जाने के बाद येट्स को छठी फिल्म एरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस का निर्देशन करने के लिए चुना गया जो येट्स के अनुसार दोनों के बीच एक क्रॉस होने वाली थी प्रिजन ऑफ अचकाबान की ठंडक श्रृंखला की तीसरी फिल्म और गॉब्लेट ऑफ फायर का काल्पनिक रोमांच सेक्स फोर्टी फोर दो हज़ार सात में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को सकारात्मक समीक्षा और व्यावसायिक सफलता मिली येट्स ने एम्पायर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता और यूरोपीय फिल्म अकादमी से पीपुल्स च्वाइस अवार्ड प्राप्त किया बावन हालांकि रिलीज हुई पांच किश्तों में से सबसे कम समय तक चलने के लिए श्रृंखला के प्रशंसकों द्वारा फिल्म की आलोचना की गई येट्स ने कहा कि मूल निर्देशक का कट संभवतः तीन घंटे से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप स्टूडियो की पसंदीदा समय सीमा के भीतर फिट करने के लिए बहुत सारे फुटेज को काटा संक्षिप्त और संपादित किया गया 53 54. फोर हाफ ब्लड प्रिंस के निर्माण के दौरान वार्नर ब्रदर्स के कार्यकारी एलन एफ हॉर्न ने घोषणा की कि श्रृंखला के सातवें और अंतिम उपन्यास एरी पॉटर एन डेथली है लोज को एक बार फिर येट्स के साथ दो सिनेमाई भागों में विभाजित किया जाएगा निदेशक पचपन येट्स ने उन्हें अंतिम फिल्मों के निर्देशक के रूप में नियुक्त करने के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि वे एक हैरी पॉटर बनाना चाहते थे जो महसूस हो अधिक वयस्क हो स्टूडियो और निर्माताओं के बारे में जो बात अच्छी है वह यह है कि उन्होंने हमेशा ऐसा किया है इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते थे क्रिस कोलंबस ने कास्टिंग करने और इस दुनिया को अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बनाने का अद्भुत काम किया लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने कहा आइए अल्फोंसो क्वारोन को लाएं और उसे इसके साथ चलने दें आइए डेविड येट्स को लेकर आएं जिन्होंने टीवी पर इतना कठिन काम किया है यह फ्रेंचाइज को ताज़ा रखने की कोशिश करने की उनकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है अजीब बात यह है कि मैंने एक फिल्म की और उन्होंने मुझे तीन और फिल्मों के लिए रुकने के लिए कहा तो जाहिर तौर पर उन्हें कुछ पसंद आया फ्री हाफ ब्लड प्रिंस 2009 में रिलीज हुई और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकन पाने वाली श्रृंखला की एकमात्र फिल्म बन गई छप्पन सत्तावन येट्स ने फ्रांसीसी सिनेमेटोग्राफर ब्रूनो डेल बोनेल के साथ मिलकर काम किया जिसे येट्स ने अविश्वसनीय रूप से समृद्ध चित्र को बहुत यूरोपीय बनाकर और डच चित्रकार रेमब्रांड से प्रभाव खींचकर बड़े पैमाने पर रंग ग्रेडिंग कहा अट्ठावन उनसठ साठ फिल्म ने प्रशंसा का मिश्रण हासिल किया और इसकी शैलीगत चरित्रचालित दृष्टिकोण के लिए प्रशंसित हुई लेकिन कुछ प्रशंसकों ने पटकथा के उपन्यास से विचलन और फिल्म की थोड़ी रोमांटिक कॉमेडी प्रकृति के बारे में शिकायत की इकसठ इस आलोचना के जवाब में बाफ्टा सदस्य और फिल्म समीक्षक मार्क केरमोड ने येट्स के निर्देशन की प्रशंसा येट्स ने 2009 की शुरुआत में डेथली है पार्ट एक और डेथली है पार्ट दो को एक के बाद एक फिल्माना शुरू किया और 2010 के अंत में दोबारा शूटिंग पूरी की तिरसठ उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतिम रूपांतरण के दोनों हिस्सों को अलग अलग तरीके से शूट किया था पार्ट के साथ एक एक रोड मूवी और काफी वास्तविक लगभग एक वेरिट डॉक्यूमेंट्री की तरह है जबकि भाग दो अधिक ऑपेराटिक रंगीन और फंतासी उन्मुख विशाल लड़ाइयों वाला एक बड़ा ओपेरा है चौंसठ पैंसठ छियासठ लंदन किंग्स क्रॉस रेलवे स्टेशन पर फिल्माए गए मूल संस्करण के उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के बाद येट्स ने लीव्स रेन स्टूडियो में है रिपोर्टर श्रृंखला के अंतिम दृश्य को दोबारा शूट किया फिल्म में यह दृश्य जादुई प्लेटफार्म नौ पर घटित होता है सिक्सटी सेवन भाग एक को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाओं के साथ साथ व्यावसायिक सफलता के लिए नवंबर 2010 में दुनिया भर में रिलीज किया गया था जिनमें से कुछ येट्स की निर्देशन शैली पर प्रतिबिंबित हुए थे डलास मॉर्निंग न्यूज ने पुष्टि की कि डेविड येट्स का तरल तेजतर्रार निर्देशन एक थ्रिलर के चरम तनाव को जन्म देता है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जेके राउलिंग के चरित्र विकास के लिए येट्स के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए कहा कि उन्होंने एक संपूर्ण निडर सहानुभूति प्रदर्शित की है उनके पात्रों के लिए विशेष रूप से रॉन वीसली हर्मियोन ग्रेंजर और स्वयं हैं एरी पॉटर की केंद्रीय तिकड़ी के लिए अड़सठ उनहत्तर फिल्म को इसके अंधेरे माहौल और स्रोत सामग्री के प्रति इसकी वफादारी के लिए सराहा गया था लेकिन इसके धीमे मध्य अभिनय प्रदर्शन के संचालन और कुछ हद तक असंबद्ध गति के लिए इसकी आलोचना की गई थी सेवनटी सेवेंटी भाग दो जुलाई 2011 में प्रदर्शित किया गया और आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ तत्काल रिकॉर्ड तोड़ सफलता बन गई बेहतर तिहत्तर दडेली टेलीग्राफ ने भाग दो को भव्य स्वरों से भरपूर स्मारकीय सिनेमा के रूप में वर्णित किया और टोटल फ़िल्म ने लिखा कि येट्स तमाशा और भावना को एक रोमांचक अंतिम अध्याय में जोड़ता है चौहत्तर पचहत्तर लेखिका जेके रावलिंग ने टिप्पणी की कि जो कोई भी डेथली है भाग दो देखता है वह देखेगा कि उसने हमें शानदार तरीके से घर पहुंचाया है यह अविश्वसनीय है छिहत्तर सतहत्तर पार्ट दो दो हैरी पॉटर फिल्मों में से एक है जिसने अपने मूल थिएटर प्रदर्शन के दौरान एक बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था यह श्रृंखला में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और 2011 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिससे येट्स अगस्त 2011 में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली गैर जेम्स कैमरून फिल्म के निर्देशक बन गए अठहत्तर उनासी अन्य प्रशंसाओं के अलावा येट्स ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना दूसरा एम्पायर पुरस्कार जीता और डेथली ली है भाग दो और सामान्य रूप से श्रृंखला पर अपने काम के लिए सिनेमाई इमेजरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2012 एडीजी पुरस्कार प्राप्त करने में है रिपोर्टर की प्रमुख रचनात्मक टीम में शामिल हो गए एरी येट्स ने फरवरी 2011 में चौसठवें ब्रिटिश अकादमी फ़िल्म पुरस्कारों में भाग लिया जहां सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए माइकल बाल्कन पुरस्कार लेने में उनके साथ जेके राउलिंग डेविड हेमैन माइक नेवेल अल्फोंसो क्वारोन डेविड बैरोन रूपर्ट ग्रिंट और एमा वॉटसन भी शामिल हुए एयरी पॉटर फ़िल्म की ओर से डैनियल रेडक्लिफ जिन्होंने फ़िल्मों में नाममात्र का किरदार निभाया था ने येट्स के साथ काम करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने श्रृंखला में धैर्य और यथार्थवाद की अपनी भावना जोड़ी जो शायद पहले इतनी ज्यादा नहीं थी मुझे लगता है कि हम सभी में एक प्रतिभा थी डेविड के साथ काम करना शानदार रहा मुझे पता है कि हमने किया वन एरी वन तानाशाह और टार्जन 2012 से 2016। 2012 तक येट्स वार्नर ब्रदर्स की कुछ परियोजनाओं पर काम कर रहे थे जिनमें टार्जन फीचर फिल्म और सिसरो नामक अल कैपोन की बायोपिक शामिल थी बयासी तिरासी उन्होंने विवादास्पद रूप से यह भी कहा कि वह डॉक्टर हूं फिल्म विकसित करने की योजना पर बीबीसी वर्ल्डवाइड के साथ काम कर रहे थे चौरासी हालांकि जुलाई 2012 में श्रोता स्टीवन मोफेट ने इसका खंडन किया था पचासी उत्पादन के कारण देरी के बाद येट्स ने टेलीविजन कार्य सहित अन्य परियोजनाओं की खोज शुरू कर दी एरीसेक्स येट्स सैन डिएगो कॉमिकॉन इंटरनेशन दो में बोल रहे हैं 2013 में उन्होंने अमेरिकी ड्रामा प्रोडक्शन टायरेंट के टेलीविज़न पायलट को निर्देशित करने के लिए साइन करके टेलीविज़न पर वापसी की जो यूएस मध्य पूर्व संघर्ष के खिलाफ सेट था सत्तासी अगले वर्ष येट्स ने द लीजेंड ऑफ टार्जन की शूटिंग शुरू की जिसमें अलेक्जेंडर स्कासगार्ड सैमुअल एल जैक्सन मार्गोट रोबी जिमोन हॉसौ जिम ब्रॉडबैंड और क्रिस्टोफ वालच ने अभिनय किया 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं और इसने दुनिया भर में तीन मिलियन डॉलर की कमाई की एरियाड फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज 2016 से 2022 हजार बाईस येट्स ने फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम का निर्देशन किया जो 2016 की फिल्म थी जो जेके राउलिंग की किताब पर आधारित पांच किस्तों की श्रृंखला में पहली है जो उनके हैरी पॉटर उपन्यासों की दुनिया पर आधारित है नवासी डेविड हेमैन और हैरी पॉटर के पटकथा लेखक स्टीव क्लोव स्क्रिप्ट विकसित करने में येट्स और जेके राउलिंग के साथ शामिल हुए नब्बे फिल्म नवंबर 2016 में रिलीज हुई थी इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और 814 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ यह व्यावसायिक रूप से सफल रही इसमें एडी ने कैथरीन वॉटरस्टोन डैन फोगलर एलिसन सुडोल एजरा मिलर कॉलिन फेरेल और जॉनी डेप शामिल हैं येट्स ने 2018 हजार सीक्वल फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेल वाल्ड का निर्देशन किया जिसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सफल रही हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह फैंटास्टिक बीस्ट्स श्रृंखला की सभी पांच नियोजित फिल्मों का निर्देशन करने के लिए तैयार है इक्यानवे वह 2022 में तीसरी फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर का निर्देशन करने के लिए लौटे जिसे मिश्रित आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली और दुनिया भर में 407 मिलियन डॉलर की कमाई हुई जिससे यह बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही और विजार्डिंग वर्ल्ड फ्रेंचाइजी में सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई पेन हसलर्स और वर्तमान कार्य दो, दो वर्तमान येट्स ने अगली बार नेटफ्लिक्स के लिए एमिली ब्लंट और क्रिस इवांस अभिनीत ड्रामा फिल्म पेन हसलर्स का निर्देशन किया निर्माण 22 अगस्त 2022 को शुरू हुआ और फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई 92, 93 क्रेग ब्रूअर जन्म 6 दिसंबर 1971 एक अमेरिकी फ़िल्म निर्माता है उनकी 2005 की फिल्म हसल एंड फ्लो ने 2005 के सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता और व्यावसायिक सफलता हासिल की साथ ही सर्वश्रेष्ठ मूल गीत इट्स हार्ड आउट हियर फॉर ए पिम्प के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता उन्हें 2011 की फुटलूज रीमेक 2019 की फिल्म डोलेमाइट इज माई नेम और 2021 की फिल्म कमिंग दो अमेरिका के निर्देशन के लिए भी जाना जाता है बाद के दो में अकादमी पुरस्कार नामांकित एडी मर्फ़ी ने अभिनय किया प्रारंभिक जीवन ब्रेवर एक शिक्षक गेल और मैडसन नेविगेशन कंपनी के लिए काम करने वाले एक कार्यकारी वाल्टर डी ब्रेवर का बेटा है वह आयरिश अंग्रेजी और स्पेनिश मूल का है दो तीन उनका जन्म न्यूपोर्ट न्यूज वर्जीनिया में हुआ था जहां उनके पिता सेना में तैनात थे और वेलेजो कैलिफोर्निया में पले बढ़े एक उनके दादा दादी में से एक मार्व थ्रोम्बेरी थे जो एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी और मिलर लाइट बियर के प्रवक्ता थे कैरियर हसल एंड फ्लो को फिल्म निर्माता जॉन सिंगल्टन द्वारा वित्त पोषित किया गया था स्टेफनी एलेन प्रेस्टन होम्स द्वारा निर्मित और ड्वाइट विलियम्स द्वारा निर्मित कार्यकारी सिंगल्टन ब्रेवर की पहली फीचर द पुअर एंड हंग्री जो मेमफिस टेनेसी में शूट की गई थी से प्रभावित थे हसल एंड फ्लो की रिलीज के दस साल बाद ब्रूअर ने टेरेंस हॉवर्ड और ताराजी पी हेसन के साथ उनकी प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला एम्पायर पर फिर से टीम बनाई चार उनके द्वारा निर्देशित पहला एपिसोड फायर्स ऑफ हेवेन 7 अक्टूबर 2015 को प्रसारित हुआ पांच ब्रुअर श्रृंखला के 10 और एपिसोड का निर्देशन करेंगे ब्रुअर के अगले प्रोजेक्ट ब्लैक स्नेक मोआन का फिल्मांकन सितंबर 2005 में शुरू हुआ और इसमें सेमुअलेल जैक्सन क्रिस्टीना रिक्की और जस्टिन टिम्बरलेक ने अभिनय किया ब्लैक स्नेक मोआन को आंशिक रूप से स्टैटन टेनेसी में फिल्माया गया था ब्लैक स्नेक मॉन का निर्माण अक्टूबर 2005 में पूरा हुआ और इसे 2 मार्च 2007 को रिलीज किया गया उनकी पहली बड़े बजट की फिल्म उन्नीस की फिल्म फुटलूज की रीमेक ब्रूवर और फिल्म के दो सितारों के बाद 14 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई थी केनी वार्माल्ड और जूलियन हफ ने फिल्म के प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय प्रेस दौरा पूरा किया सेक्स दो में बारह कैटी पेरी पार्ट ऑफ मी के कार्यकारी निर्माता थे सात उसी वर्ष ब्रूअर ने इंडी मेम्फिस और फिल्म निर्माताओं के बारे में निर्देशित एक वृत्तचित्र का प्रीमियर किया जिसका नाम इंडी ऑरिजिस्ट था आठ दो हजार चौदह में ब्रूअर को दो साल के लिए इंडी मेम्फिस का राष्ट्रपति चुना गया था नौ एक साल बाद ब्रूअर ने मेम्फिस ग्रिजलीज के साथ मिलकर शहर के खिलाड़ी मार्क गैसोल के प्रशंसक पर एक वीडियो जारी किया वीडियो की शुरुआत में ब्रूअर स्वयं एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं छैन ब्रूअर पांच डॉलर कवर के निर्माता भी हैं जो मेम्फिस संगीतकारों के बारे में एक एमटीवी नाटक श्रृंखला है पन्द्रह एपिसोड का शो ऑनलाइन और एमटीवी पर प्रसारित किया गया था और इसमें मेम्फिस संगीतकारों ने स्वयं और अपने मूल गाने बजाए थे अन्य टीवी परियोजनाओं में द शील्ड का एक एपिसोड और पायलट टू टेरियर्स शामिल हैं ब्रूअर फेलिसिटी हफमैन अभिनीत फॉक्स के लिए बुमरैंग के साथ टीवी पायलटों का निर्देशन करने के लिए लौट आए ग्यारह इसे उठाया नहीं गया जनवरी 2014 में ब्रुअर ने दो टीवी ड्रामा पायलटों के कार्यकारी निर्माण लेखन और निर्देशन के लिए पैरामाउंट टेलीविज़न के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए 12 मई 2015 के अंत में इनमें से एक शो के बारे में पता चला कि यह फ़िल्म अर्बन काउबॉय का टेलीविज़न रूपांतरण था ब्रुअर ने पायलट को लिखा और उसे निर्देशित किया तेरह लेकिन पायलट को फॉक्स द्वारा नहीं चुना गया फोर्चीन फरवरी 2013 के अंत में ब्रूअर के नाटकीय अनुवर्ती फुटलूज को गैंगस्टर प्रिंसेस ऑफ बेवर्ली हिल्स के रूप में घोषित किया गया था जो सैमसंग की उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाली एक युवा महिला लिसेटली के वास्तविक जीवन के अपराध पर आधारित थी ब्रूअर लिखेंगे और निर्देशित करेंगे पन्द्रह एक साल बाद ब्रूअर को संभावित रूप से द आइडल मेकर के एक नए संस्करण का निर्देशन करने के लिए भी जोड़ा गया जिसके निर्माता जस्टिन टिम्बरलेक थे सिक्सटीन सेवनटीन ब्रुअर ने वार्नर ब्रदर्स के लिए एक ड्राफ्ट लिखा डेविड येट्स द्वारा निर्देशित 2016 की फिल्म द लीजेंड ऑफ टार्जन ए जून 2018 में ब्रुअर ने नेटफ़्लिक्स फीचर डोलेमाइट इज माई नेम का निर्देशन शुरू किया रूडी रेमूर के जीवन पर आधारित इस फिल्म में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित एडी मर्फ़ी ने सत्तर के दशक के हास्य अभिनेता मूर की भूमिका निभाई है जो अपने स्टैंड अप सामग्री के एक चरित्र पर आधारित एक एक्शन फिल्म बनाने के लिए पैसे लगाता है फिल्म स्कॉट अलेक्जेंडर और लैरी कारासजेव्स की द्वारा लिखी गई है उन्नीस अन्य कलाकारों में वेस्ले स्नेप्स, क्रेग रॉबिसन और माइक एप्स शामिल हैं फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी 20 जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि ब्रूअर कमिंग दो अमेरिका में एडी मर्फी को निर्देशित करेंगे उत्पादन अगस्त 2019 में शुरू हुआ 21 दुनियाभर में कोविड 19 महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के कारण फ़िल्म को अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से रिलीज किया गया 22, 5 मार्च 2021 को 23 फिल्म अमेजन के लिए एक बड़ी सफलता बन गई शीर्ष पर रही प्रमुख स्ट्रीमिंग सदस्यता सेवाओं पर नीलसन की रेटिंग हर दूसरे टीवी शो या फ़िल्म से आगे है ट्वेंटी दिसंबर 2021 में डेडलाइन ने खबर दी कि ब्रुअर अफ्रीकी अमेरिकी देशी गायक चार्ली प्राइड के जीवन पर अमेरिकन प्राइड नामक बायोपिक में फुटलूज अभिनेता डेनिस क्वैड के साथ दोबारा काम करेंगे क्वैड ब्रुअर के साथ फिल्म का सहनिर्माण करेंगे और गायक गीतकार काउबॉय जैक क्लेमेंट के रूप में सहकलाकार होंगे यह फिल्म एम्पायर लेखिका डायने ह्यूस्टन द्वारा लिखी जाएगी ट्वेंटी दिसंबर 2023 में डेडलाइन ने बताया कि ब्रुअर केविन हार्ट द्वारा अभिनीत और निर्मित पीकॉक मिनिस्ट्रीज फाइट नाइट द मिलियन डॉलर हीस्ट के चुनिंदा एपिसोड का निर्देशन करेंगे 26 श्रृंखला ब्रुअर को ब्लैक स्नेक मोन के सैमुअल एल जैक्सन और टेरेंस हॉवर्ड और हसल एंड फ्लो और एम्पायर के ताराजी पी हेंसन के साथ फिर से जोड़ती है एडगर बरोज एक सितंबर अठारह 19 मार्च 1950 एक अमेरिकी लेखक थे जो साहसिक विज्ञान कथा और फंतासी शैलियों में अपने विपुल उत्पादन के लिए जाने जाते थे टार्जन और जॉन कार्टर के चरित्रों के निर्माण के लिए जाने जाने वाले उन्होंने पेलुसीडार श्रृंखला एमटो श्रृंखला और कैस्पक त्रयी भी लिखी छिव टार्जन तुरंत लोकप्रिय हो गया और बरोज ने सिंडिकेटेड टार्जन कॉमिक स्ट्रिप फिल्में और व्यापारिक वस्तुओं सहित हर संभव तरीके से इसका लाभ उठाया टार्जन आज भी सबसे सफल काल्पनिक पात्रों में से एक है और एक सांस्कृतिक प्रतीक है बरोज का कैलिफोर्निया खेत अब लॉस एंजल्स में टार्जाना पड़ोस का केंद्र है जिसका नाम चरित्र के नाम पर रखा गया है तीन बरोज अपनी कल्पना और गैरकथा दोनों में यूजीनिक्स और वैज्ञानिक नस्लवाद के स्पष्ट समर्थक थे टार्जन का उद्देश्य इन अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करना था जीवनी प्रारंभिक जीवन और परिवार बरोज का जन्म 1 सितंबर 1875 को शिकागो में हुआ था बाद में वह ओक पार्क के उपनगर में कई वर्षों तक रहे एक व्यापारी और गृह युद्ध के अनुभवी मेजर जॉर्ज टायलर बरोज और उनकी पत्नी मैरी एवलिन जीगर के चौथे बेटे बरोज उनका मध्य नाम उनकी दादी मैरी कोलमैन राइस बरोज से है फोर फाइव सिक्स बरोज लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी वंश के थे उनकी पारिवारिक वंशावली औपनिवेशिक युग के बाद से उत्तरी अमेरिका में थी सेवन अपनी राइस दादी के माध्यम से बरोच का वंशज राइस के वंशज थे जो कि अंग्रेजी प्यूरिटन में से एक थे जो सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में चले गए थे उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी मैं अपने वंश का पता डेकन एडमंड राइस से लगा सकता हूं प्रशस्ति पत्र आवश्यक परिवार का बरोज पक्ष भी अंग्रेजी मूल का था जो लगभग उसी समय मैसाचुसेट्स में प्रवास कर गया था उनके कई पूर्वज अमेरिकी क्रांति में लड़े थे उनके कुछ पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान वर्जीनिया में बस गए थे और बरोज अक्सर अपने परिवार के उस पक्ष के साथ अपने संबंध पर जोर देते थे इसे रोमांटिक और युद्धप्रिय मानते थे सिक्स एट बरोज की शिक्षा कई स्थानीय स्कूलों में हुई इसके बाद उन्होंने एंडोवर मैसाचुसेट्स में फिलिप्स अकादमी और फिर मिशिगन मिलिट्री अकादमी में भाग लिया एक हजार आठ सौ पचानवे में स्नातक होने के बाद लेकिन वेस्ट पॉइंट पर संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा में असफल होने के कारण वह फोर्ट ग्रांट एरिजोना क्षेत्र में सातवीं अमेरिकी कैवली के साथ एक भर्ती सैनिक बन गए हृदय संबंधी समस्या का निदान होने और इस प्रकार सेवा के लिए अयोग्य होने के बाद उन्हें एक में छुट्टी दे दी गई Nine. बरोज की बुकप्लेट में टार्जन को मंगल ग्रह को पकड़े हुए दिखाया गया है जो उसकी कहानियों के अन्य पात्रों और उसके व्यक्तिगत हितों और करियर से संबंधित प्रतीकों से घिरा हुआ है बरोज से रूथवेन डीन को टारजाना रेंच लेटरहेड के साथ टाइपस्क्रिप्ट पत्र जिसमें उनकी बुकप्लेट के डिज़ाइन और महत्व को समझाया गया है अपनी छुट्टी के बाद बरोज ने कई अलग अलग नौकरियों में काम किया एक हजार आठ सौ इक्यानवे के शिकागो इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान उन्होंने एक चरवाहे के रूप में इडाहो में राफ्ट नदी पर अपने भाई के खेत में आधा साल बिताया बाद में कुछ हद तक भटक गए फिर एक हजार आठ सौ निन्यानवे में अपने पिता की शिकागो बैटरी फैक्ट्री में काम किया और अपनी बचपन की प्रेमिका एमा हलबर्ट से शादी की अठारह से उन्नीस जनवरी उन्नीस में उद्धरण वांछित उन्नीस में बरोज अपने भाइयों येल स्नातक जॉर्ज और हैरी से जुड़ गए जो उस समय दक्षिणी इडाहो में प्रमुख पोकाटेलो क्षेत्र के पशुपालक थे और स्वीट्सर बरोज माइनिंग कंपनी में भागीदार थे जहां उन्होंने उनके दुर्भाग्यशाली स्नेक रिवर गोल्ड का प्रबंधन किया ड्रेज एक क्लासिक बकेटलाइन ड्रेज बरोज बंधु प्रसिद्ध खनिक केट राइस के छठे चचेरे भाई भी थे जिन्हें एक बार हटा दिया गया था जो उन्नीस में कनाडाई उत्तर में पहली महिला भविष्यवक्ता बनी पत्रकार और प्रकाशक सी एलन थारणराइक राइस भी उनके तीसरे चचेरे भाई थे छैन जब नई खदान असफल साबित हुई तो भाइयों ने बरोज के लिए साल्ट लेक सिटी में ओरेगॉन शॉर्ट लाइन रेलरोड में एक स्थान सुरक्षित कर लिया ग्यारह बरोज ने अक्टूबर 1904 में रेल मार्ग से इस्तीफा दे दिया ठुआव बाद का जीवन 1911 तक लगभग 36 साल की उम्र में पेंसिल शार्पनर के थोक विक्रेता के रूप में सात साल की कम मजदूरी के बाद बरोज ने कथा लिखना शुरू कर दिया इस समय तक एमा और उनके दो बच्चे थे जोन 1908 से उन्नीस और हलबर्ट 1909 से उन्नीस सौ तेरह इस अवधि के दौरान उनके पास प्रचुर खाली समय था और उन्होंने पल्पफिक्शन पत्रिकाएं पढ़ना शुरू कर दिया उन्नीस में उन्होंने यह सोचकर याद किया कि अगर लोगों को बकवास लिखने के लिए पैसे दिए जाते जैसा कि मैंने उन पत्रिकाओं में पढ़ा तो मैं भी उतनी ही बकवास कहानियां लिख सकता था सच तो यह है कि हालांकि मैंने कभी कोई कहानी नहीं लिखी थी लेकिन मैं पूरी तरह जानता था कि मैं उतनी ही मनोरंजक कहानियां लिख सकता हूं और शायद उन पत्रिकाओं में पढ़ी गई कहानियों से कहीं ज्यादा मनोरंजक फोर्टीन उन्नीस में बरोज और एमा की तीसरी और आखिरी संतान जॉन कोलमैन बरोज उन्नीस से उन्नीस हुई जो बाद में अपने पिता की किताबों के चित्रण के लिए जाने गए फिफ्टीन 1920 के दशक में बरोज एक पायलट बन गए उन्होंने एक सिक्योरिटी एयरस्टर एस एक खरीदा और अपने परिवार को उड़ना सीखने के लिए प्रोत्साहित किया सिक्सटीन सेवनटीन बेटी जोन ने टार्जन फिल्म अभिनेता जेम्स पियर से शादी की उन्होंने 1932 से 1934 के दौरान टार्जन रेडियो श्रृंखला के लिए अपने पति के साथ जेन की आवाज के रूप में अभिनय किया बरोज ने 1934 में एमा को तलाक दे दिया और 1935 में पूर्व अभिनेत्री फ्लोरेंस गिलबर्ट डियरहोल्ड से शादी कर ली जो उनके दोस्त जो उस समय खुद पुनर्विवाह कर रहे थे एस्टन डियरहोल्ड की पूर्व पत्नी थीं जिनके साथ उन्होंने बरोज टार्जन एंटरप्राइजेज की सह स्थापना की थी द न्यू एडवेंचर्स ऑफ टार्जन का फिल्मांकन बरोज ने डियरहोल्ड्स के दो बच्चों को गोद लिया उन्नीस में उनका और फ्लोरेंस का तलाक हो गया इचीन बरोज की उम्र 60 वर्ष के अंत में थी और पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के समय वह होनोलुलू में थे उन्नीस अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने युद्ध संवाददाता बनने के लिए आवेदन किया और अनुमति प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पुराने अमेरिकी युद्ध संवाददाताओं में से एक बन गए उनके जीवन की इस अवधि का उल्लेख विलियम ब्रिंकले के सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यास डोंट गो नियर द वॉटर में किया गया है ट्वेंटी मृत्यु युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग अस्सी उपन्यास लिखने के बाद बरोज इंकिनों कैलिफ़ोर्निया वापस चले गए जहां कई स्वास्थ्य समस्याओं के बाद 19 मार्च 1950 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई उन्हें टारजाना कैलिफोर्निया अमेरिका में दफनाया गया है ट्वेंटी उनकी मृत्यु के समय ऐसा माना जाता था कि वह ऐसे लेखक थे जिन्होंने फिल्मों से सबसे अधिक कमाई की थी उन्होंने 27 टार्जन चित्रों से रॉयल्टी के रूप में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी ट्वेंटी साइंस फिक्शन हॉल ऑफ फ़ेम ने 2003 में बरोज को शामिल किया 23, 24. साहित्यिक करियर. कैरियर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए नॉर्मन बीन नाम के तहत लुगदी पर अपने काम का लक्ष्य रखते हुए बरोज ने अपनी पहली कहानी अंडर द मून्स ऑफ मार्स द ओलस्टोरी के फरवरी से जुलाई 1912 के अंक में फ्रैंक मुंसे द्वारा क्रमबद्ध की थी 25, 26, 27. ए अंडर द मून्स ऑफ मार्स ने बारसूम श्रृंखला का उद्घाटन किया जॉन कार्टर को पेश किया और बरोज को 400 अमेरिकी डॉलर 11,922 डॉलर आज कमाए इसे पहली बार 1917 में शिकागो के एसी मैकक्लर्ग द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसका शीर्षक ए प्रिंसेस ऑफ मार्स था इसके बाद तीन बारसूम सीक्वेल धारावाहिकों के रूप में सामने आए थे और मैकक्लर्ग ने पहले चार धारावाहिक टार्जन उपन्यासों को किताबों के रूप में प्रकाशित किया था ट्वेंटी बरोज ने जल्द ही पूर्णकालिक रूप से लिखना शुरू कर दिया और जब तक अंडर द मून्स ऑफ मार्स का प्रदर्शन समाप्त हुआ तब तक उन्होंने दो उपन्यास पूरे कर लिए थे जिनमें टार्जन ऑफ द एप्स भी शामिल था जो अक्टूबर 1912 में प्रकाशित हुआ था और उनकी सबसे सफल श्रृंखला में से एक थी बरोज ने लोकप्रिय विज्ञान कथा का और काल्पनिक कहानियां भी लिखीं जिनमें पृथ्वी से साहसी लोगों को विभिन्न ग्रहों विशेष रूप से बारसूम बरोज का मंगल ग्रह के लिए काल्पनिक नाम और एमटोर शुक्र के लिए उनका काल्पनिक नाम खोए हुए द्वीप कैस्पक और हॉलों के अंदरूनी हिस्सों में ले जाया गया उनकी पेलुसीडार कहानियों में पृथ्वी उन्होंने पश्चिमी और ऐतिहासिक रोमांस भी लिखे ऑलस्टोरी में प्रकाशित कहानियों के अलावा उनकी कई कहानियां द आर्गोसी पत्रिका में प्रकाशित हुईं प्रशस्ति पत्र आवश्यक जब टार्जन पेश किया गया तो वह एक सांस्कृतिक अनुभूति थी बरोज टार्जन की लोकप्रियता को हर संभव तरीके से भुनाने के लिए कृतसंकल्प थे उसने सिंडिकेटेड टार्जन कॉमिक स्ट्रिप फिल्में और माल सहित कई अलग अलग मीडिया के माध्यम से टार्जन का शोषण करने की योजना बनाई क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ सलाह देते हुए कहा कि विभिन्न मीडिया अंत एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे हालांकि बरोज आगे बढ़े और विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया जनता टार्जन को चाहे जिस भी रूप में पेश की गई हो चाहती थी टार्जन आज भी सबसे सफल काल्पनिक पात्रों में से एक है और एक सांस्कृतिक प्रतीक है प्रशस्ति पत्र आवश्यक 1915 या 1919 में बरोज ने लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया के उत्तर में एक बड़ा खेत खरीदा जिसका नाम उन्होंने टारजाना रखा रेंच के चारों ओर फैले समुदाय के नागरिकों ने उस नाम को अपनाने के लिए मतदान किया जब उनका समुदाय टारजाना कैलिफोर्निया 1927 में बना था 28 इसके अलावा टारजन एक के अनिगमित समुदाय को औपचारिक रूप से उन्नीस में नामित किया गया था जब यूएस डाक सेवा ने इस नाम को स्वीकार कर लिया उनतीस यह प्रतिष्ठित रूप से एल्मो लिंकन अभिनीत पहली मूक टार्जन ऑफ द एप्स फिल्म और प्रारंभिक टार्जन कॉमिक स्ट्रिप की लोकप्रियता के कारण आया प्रशस्ति पत्र आवश्यक उन्नीस में बरोज ने अपनी खुद की कंपनी एडगर राइस बरोज इंक की स्थापना की और 1930 के दशक के दौरान अपनी किताबें छापना शुरू किया 30. स्वागत और आलोचना मंगल ग्रह की प्रेरक वास्तविक खोज में बरोज की विज्ञान कथा की भूमिका के कारण उनकी मृत्यु के बाद मंगल पर एक प्रभाव क्रेटर का नाम उनके सम्मान में रखा गया था इकतीस पेरिस रिव्यू साक्षात्कार में रे ब्रैडबरी ने बरोज के बारे में कहा एडगर राइस बरोज ने कभी भी खुद को सामाजिक दायित्वों को निभाने वाले और सामाजिक दायित्वों को निभाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखा होगा लेकिन जैसा कि यह पता चला है और मुझे यह कहना पसंद है क्योंकि यह हर किसी को बहुत परेशान करता है बरोज संभवतः पूरे इतिहास में सबसे प्रभावशाली लेखक हैं दुनिया लड़कों की एक पूरी पीढ़ी को रोमांस और रोमांच देकर बरोज ने उन्हें बाहर जाने और विशेष बनने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया फिडी समथिंग ऑफ माई सेल्फ मरणोपरांत उन्नीस में प्रकाशित में रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा माई जंगल बुक्स ने नकल करने वालों के चिड़ियाघरों को जन्म दिया लेकिन सभी जीनियस में से एक प्रतिभावान वह था जिसने टार्जन ऑफ द एप्स नामक एक श्रृंखला लिखी मैंने इसे पढ़ा लेकिन अफसोस है मैंने इसे फिल्मों में कभी नहीं देखा जहां यह सबसे अधिक सफलतापूर्वक व्याप्त है उन्होंने जंगल बुक्स के मूल भाव को जैज किया था और मुझे लगता है उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया था बताया गया है कि वह यह जानना चाहते थे कि यह कितना बुरा है वह किताब लिख सकता है और छोड़ सकता है जो एक वैध महत्वाकांक्षा है 33. थ्री तक गैलेक्सी साइंस फिक्शन के सी. गेल ने एस बुक्स के कई बरोज उपन्यासों के पुनर्मुद्रण पर चर्चा करते हुए लिखा था एक पूरी पीढ़ी बेवजह बरोज रहित बड़ी हो गई है उन्होंने कहा कि लेखक की अधिकांश पुस्तकें वर्षों से प्रिंट से बाहर थीं और केवल कभी कभी हास्यास्पद टार्जन फिल्म ही जनता को उनके उपन्यास की याद दिलाती थी चौंतीस गेल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि दो दशकों के बाद उनकी किताबें फिर से उपलब्ध थीं कैनावेरल प्रेस डोवर पब्लिकेशंस और वैलेंटाइन बुक्स ने भी उन्हें दोबारा छापा था फर्टी फाइव बरोज के बारे में कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण से एयरलिंग होल्ड की दो पुस्तकें सबसे अधिक उपयोगी हैं टार्जन एंड ट्रेडिशन छत्तीस और एडगर राइस बरोज सैंतीस स्टैन गैलोवे की द टीन एज टार्जन एडगर राइस बरोज की जंगल टेल्स ऑफ टार्जन का एक साहित्यिक विश्लेषण अड़तीस और रिचर्ड लुपॉफ की दो पुस्तकें मास्टर ऑफ एडवेंचर एडगर राइस बरोज उनतालीस और बारसूम एडगर राइस बरोज एंड द मार्टियन विजन चालीस गैलोवे की पहचान जेम्स एडविन गन ने दुनिया के आधा दर्जन बेहतरीन बरोज विद्वानों में से एक के रूप में की थी इकतालीस गैलोवे ने होल्समार्क को अपना सबसे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती कहा 42 छि बरोज ने यूजीनिक्स और वैज्ञानिक नस्लवाद का पुरजोर समर्थन किया उनके विचार थे कि अंग्रेज़ी रईसों ने एंग्लो सैक्सन के बीच एक विशेष वंशानुगत अभिजात वर्ग बनाया टार्जन का उद्देश्य इसे प्रतिबिंबित करना था उसका जन्म अंग्रेजी रईसों के यहां हुआ था और फिर बोलने वाले वानरों मंगनी ने उसे गोद ले लिया था वे स्वयं यूजिनिस्ट विचार व्यक्त करते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से अयोग्य समझे जाने के बावजूद टार्जन को जीवित रहने की अनुमति है और वह बड़ा होकर न केवल उनसे बल्कि काले अफ्रीकियों से भी आगे निकल जाता है जिन्हें बरोज स्पष्ट रूप से स्वाभाविक रूप से हीन के रूप में प्रस्तुत करता है यहां तक कि पूरी तरह से मानव भी नहीं टार्जन की एक कहानी में उसे एक प्राचीन सभ्यता का पता चलता है जहां 2000 से अधिक वर्षों से यूजीनिक्स का अभ्यास किया जाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप यह सभी अपराधों से मुक्त है आपराधिक व्यवहार को पूरी तरह से वंशानुगत माना जाता है जिसका समाधान न केवल अपराधियों को बल्कि उनके परिवारों को भी मारना है एक बाद का उपन्यास लॉस्ट ऑन वीनस एक समान स्वप्नलोक प्रस्तुत करता है जहां जबरन नसबंदी का अभ्यास किया जाता है और अयोग्य को मार दिया जाता है बरोज ने अपने अप्रकाशित गैर काल्पनिक निबंध आईसीए न्यू रेस में स्पष्ट रूप से ऐसे विचारों का समर्थन किया इसके अतिरिक्त उनका समुद्री डाकू रक्त जो काल्पनिक कथा नहीं है और उनकी मृत्यु के बाद अप्रकाशित रहा ने पात्रों को उनके वंशानुगत आपराधिक गुणों के शिकार के रूप में चित्रित किया एक कोर्सेर जीन लाफिट का वंशज दूसरा ज्यूक्स परिवार से तैंतालीस इन विचारों की तुलना नाजी यूजीनिक्स से की गई है हालांकि यह ध्यान में रखते हुए कि वे उस समय लोकप्रिय और आम थे उनका लॉस्ट ऑन वीनस उसी वर्ष रिलीज हुआ था जब नाजियों ने सत्ता संभाली थी उन्नीस में 44. 2003 में बरोज को साइंस फ़िक्शन और फैंटेसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जेरोम चार्ल्स वेन्ट्रॉब 26 सितंबर उन्नीस 6 जुलाई 2015, एक अमेरिकी फ़िल्म निर्माता प्रतिभा प्रबंधक और अभिनेता थे जिनकी टेलीविजन फिल्मों ने उन्हें तीन एमी पुरस्कार दिलाए वन ठ्यू उन्होंने एक प्रतिभा एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया 1970 में अपेक्षाकृत अज्ञात गायक जॉन डेनवर को प्रबंधित किया संगीत कार्यक्रमों टेलीविजन विशेष और फिल्म भूमिकाओं के माध्यम से डेनवर की सफलता को विकसित किया जिसमें हो गॉड 1977 सेवेंटी वेनट्रॉब को गायकों के लिए बड़े क्षेत्र के संगीत कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करने वाले पहले व्यक्ति बनकर शो बिजनेस इतिहास बनाने का श्रेय दिया गया है अन्य कलाकारों में जिनके दौरों का प्रबंधन उन्होंने किया उनमें एल्विस प्रेसली फ्रैंक सिनात्रा द फोर सीजन्स नील डायमंड बॉब डायलन लेट जेपेलिन थ्री डॉग नाइट और द कारपेंटर्स शामिल थे कॉन्सर्ट प्रमोटर के रूप में अपने वर्षों के बाद उन्होंने फिल्मों का निर्माण शुरू किया इनमें निर्देशक रॉबर्ट ऑल्टमैन की नेशविले उन्नीस सौ पचहत्तर बैरी लेविंसन की डायन उन्नीस सौ बयासी द कराटे किड की फिल्में साथ ही रीमेक ओसियन इलेवन 2001 और इसके दो सीक्वल शामिल हैं बाद में वह 2013 में एचबीओ की सीरीज़ द ब्रिंक और एचबीओ की बिहाइंड द कैंडेलब्रा के कार्यकारी निर्माता थे जिसने एमी जीता 2014 में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री ईयर्स ऑफ लिविंग डेंजरसली के सहनिर्माता के रूप में एक और एमी जीता 2011 में एचबीओ ने वेन्ट्रॉब के जीवन के बारे में एक टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की जिसका नाम हिजवे था प्रारंभिक वर्ष वेनट्रॉब का जन्म ब्रुकलिन में एक यहूदी परिवार में हुआ था और उनका पालम पोषण ब्रोंक्स में हुआ जो रोज नीबास और सैमुअल वेनट्रॉब के बेटे थे तीन उनके पिता एक रत्न व्यापारी थे चार बड़े होने के दौरान उन्होंने कैट्सिकल्स में थियेटर अशर और वेटर के रूप में काम किया फाइव एमसीए में कई वर्षों के बाद जहां उन्होंने पहली बार मेलरूम क्लर्क के रूप में काम शुरू किया उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी निजी प्रबंधन कंपनी बनाई एमसीए में रहते हुए वह ल्यू वासरमैन के सहायक थे जिन्हें वह कथित तौर पर पिता तुले मानते थे फाइव उन्नीस के दशक में उन्होंने वोकल ग्रुप द डूडल टाउन पाइपर्स की से स्थापना की वेन्ट्रॉब ने इस समय जिन कृतियों को प्रबंधित किया उनमें पॉल अंका शेली बर्मन पैट बून जॉय बिशप द फोर सीजन्स जैक्सन ब्राउन जिमी बफेट और गायक जेन मॉर्गन शामिल थे जिनसे उन्होंने बाद में शादी की सेक्स मैनेजर और कॉन्सर्ट प्रमोटर वेनट्रॉब को 1975 में जॉन डेनवर के साथ एन इवनिंग के निर्माण के लिए एमी प्राप्त हुआ छिव वेनट्रॉप गायक और अभिनेता जॉन डेनवर के प्रबंधक थे जिनसे उन्होंने 1970 में अनुबंध किया था वेनेट्रॉब ने पहली बार डेनवर को ग्रीनविच विलेज के एक छोटे से क्लब में प्रदर्शन करते देखा था और उन्हें उनका आसान पर्वतारोही तरीका पसंद आया वेनेट्रॉब ने डेनवर अभिनीत एक दर्जन टेलीविजन संगीत विशेष का निर्माण किया उनमें से एक के लिए एमी जीता साथ बाद में उन्होंने फिल्मों गॉड का निर्माण किया उन्नीस डेनवर और जॉर्ज बंस अभिनीत एक गायक के रूप में डेनवर को बड़ी सफलता मिलने के बाद उन्होंने धन्यवाद उपहार के रूप में वेनट्रॉब को एक रोल्स रॉयस खरीदी वेनट्रॉब ने कहा मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हम दोनों में से किसी के पास बस का किराया नहीं था साथ डेनवर और वेनट्रॉब का पेशेवर रिश्ता कटुतापूर्वक समाप्त हो गया हालांकि उन्हें गायक की मृत्यु से पहले डेनवर के साथ मेलमिलाप न हो पाने का अफसोस था एट नाइन 1970 में वेनट्रॉब ने एल्विस प्रेस्ली और उनके मैनेजर कर्नल टॉम पार्कर को प्रेसली का पहला राष्ट्रीय दौरा करने के लिए मना लिया जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया था क्योंकि प्रेसली तब तक एक सफल फिल्म स्टार बन चुके थे इस दौरे ने इसके लिए बनाई गई एक आधुनिक ध्वनि प्रणाली के साथ एक कॉन्सर्ट प्रमोटर के रूप में वेनट्रॉब के करियर को विकसित करने में मदद की सेवन इसके बाद उन्होंने 1974 में फ्रैंक सिनात्रा के लिए एक टूर को बढ़ावा दिया जिसे वेनट्रॉब ने पहली बार मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बॉक्सिंग एरिना में रखा था पिछले छह वर्षों से सिनात्रा मूल रूप से अपने अंतिम एल्बम की विफलता के कारण सेवानिवृत्त हो चुके थे वेनट्रॉब ने उन्हें एक टूर करने के लिए राजी किया जिसके कारण सिनात्रा का सैलून गायक से स्टेडियम गायक में परिवर्तन हुआ जीवनी लेखक विल फ्राइडवाल्ड ने लिखा जब फ्रैंक सेवानिवृत्ति से बाहर आए और स्टेडियम में काम करना शुरू किया तो उन्हें नहीं पता था कि वे आकर्षित करेंगे या नहीं गिटार वादक अल्व्योला याद करते हैं वेनट्रॉब को इस सफलता के लिए सिनात्रा के बाद यानी सबसे अधिक श्रेय मिलना चाहिए फ्राइडवाल्ड कहते हैं छैन बॉब डायलन ने 1978 में लास वेगास में नील डायमंड कॉन्सर्ट देखने के बाद वेन्ट्रॉब के साथ अनुबंध किया यह जानते हुए कि वेनट्रॉब ने इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया था ग्यारह डायलन ने जापान से विश्व दौरा शुरू किया जो पूरे यूरोप और अमेरिका तक जारी रहा जिसमें दो मिलियन लोगों के सामने एक सौ चौदह शो किए गए ठुआव जीवनी लेखक डेविड मोरेल लिखते हैं अब हम इसे हल्के में लेते हैं लेकिन वेनट्रॉब की इन विशाल संगीत समारोहों को आयोजित करने की क्षमता ने शो बिजनेस इतिहास बना दिया तेरह लेड जेपेलिन के प्रबंधक पीटर ग्रांट याद करते हैं कि वेनट्रॉब ने इन बड़े शो के लिए कड़ी मेहनत की थी ग्रांट कहते हैं यह एक घटना थी और जेरी वेन्ट्रॉब को यह बहुत पसंद आया चौदह वेनट्रॉब ने उनकी प्रेरणाओं को स्वीकार किया जब मैं किसी चीज में विश्वास करता हूं तो वह पूरा हो जाता है उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है सिक्स वेनट्रॉब ने क्यूबा गुडिंग सीनियर द मेन इंग्रेडिएंट, द कारपेंटर्स द मूडी ब्लूज और द बीच बॉयज जैसे संगीत कार्यक्रमों का प्रबंधन या प्रचार भी किया सेवन फिल्म और टेलीविजन निर्माता जब काम की बात आती है तो कोई भी अधिक मेहनत नहीं करता है जब दान की बात आती है तो कोई भी बेहतर अपराध नहीं करता है और जब दोस्ती की बात आती है तो उसका कोई सानी नहीं है यह जेरी की महान प्रतिभा है वह सिर्फ एक कमरे को रोशन नहीं करता है वह रोशनी करता है वह एक महान निर्माता एक महान आयोजक एक महान मित्र और वास्तव में पृथ्वी पर सबसे महान शोमैन है जॉर्ज क्लूनी छ निर्माता के रूप में वेनट्रॉब की पहली फ़िल्म रॉबर्ट ऑल्टमैन की नेशविले उन्नीस थी तब तक यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के निर्माता डेविड पिकर ने स्क्रिप्ट को खारिज कर दिया था और फ़िल्म नहीं बनाएंगे थोड़े समय बाद वेनट्रॉब न्यूयॉर्क में जॉन डेनवर के लिए एक पार्टी की मेजबानी कर रहा था और जिन मेहमानों को उसने आमंत्रित किया था उनमें ऑल्टमैन भी था जिसकी वह प्रशंसा करता था लेकिन कभी नहीं मिला था ऑल्टमैन ने वेन्ट्रॉब को एक तरफ़ खींच लिया पटकथा लेखक जोन टिवेसबरी को याद करते हुए कहा और एक साझा जोड़ पर ऑल्टमैन ने वेनट्रॉप को स्क्रिप्ट के बारे में बताया ऑल्टमैन के साथ एक और मुलाकात के बाद वेनट्रॉप कहानी से जुड़ गया हालांकि कोई भी स्टूडियो ऑल्टमैन के साथ काम नहीं करना चाहता था उन्होंने वेनट्रॉप को बताया कि निर्देशक गले में दर्द था वेनट्रॉब अंत निवेशकों को ढूंढने में कामयाब रहे और ऑल्टमैन को फिल्म बनाने के लिए आवश्यक दो मिलियन डॉलर दिए फिफ्टीन नेशविले के बाद अगले कुछ वर्षों में निर्माता के रूप में वेनट्रॉब की उपलब्धियों में हो गॉड 1977 सितंबर 30 1955 1978 क्रूजिंग 1980 ऑल नाइट लॉन्ग उन्नीस और डायन उन्नीस शामिल हैं द कराटे किड उन्नीस की सफलता के कारण एमजीएम यूए के तत्कालीन मालिक किर्क केरकोरियन ने वीनट्रॉब को उपेक्षित यूनाइटेड आर्टिस्ट डिवीजन के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त जिसके अंदर हमें डेविन जॉनसन एक तरह से मैन एक्टर के अंदर टारजन का रोल निभाते हुए नज़र आने वाले हैं बाकी अभी कोई ऑफिशियल एक तरह से टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है ना ही कोई पोस्टर आउट किया गया है बाक़ी आप यूट्यूब पर जाकर कई फैन में टीजर या ट्रेलर देख सकते हो जो कि एक तरह से सिमिलर उसी तरीके से बनाए जाते हैं एकदम रियलिस्टिक लगे आपको बाकी अभी तक ऑप्शल रूप से एक तरह से रिलीज़ नहीं किया गया है जैसे ये रिलीज़ होता है या कोई अपडेट निकल कर आती है इस मूवी के बारे में तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में